अंकल देख रहे अंकल के अभी बोलता था बहुत गंदा यार रोता रखा था। देख रहे अंकल के कितनी खुजली है, देख रहे फिर भी भाग रहे। अच्छा लगेगा अभी साथ में नेरुल सीड लेके जाऊंगा वाशी। सो हे बडीज वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो मिलते हैं अभी सीधा बिल्डिंग के नीचे बाइक के पास। सो गुड मॉर्निंग फुल पावर। अभी आप लोग देख सकते हो सुबह के बज रहे हैं 8:05 हो रहे और ये रही हमारी मॉन्स्टर और उधर रही हमारी एक्टिवा। जैसे मैंने कहा था दोनों का लाइनअप लगा था लगेगा। सो दोनों का लाइनअप है और क्या बताऊँ मैं, एक्टिवा और ड्यूक का लाइनअप है। ये मेरा जुगाड़ है एक्चुअली। और अभी गाड़ी को डालते हैं कूल स्टार्ट पर। सो अभी चलते हैं। देखो अभी सो के उठ के आया है। सो अभी निकलते हैं देखते हैं कहाँ। बाकी आधे घंटे बाद आया मेरे को बुला के तू। क्या हुआ? हाँ और सो गया खेलते खेलते। खेला ही नहीं, मतलब फोन देखने जैसा मेरी आंखें नहीं बचे पता है। हाँ सो मैं सोचा मॉर्निंग के टाइम पे इसलिए जाते हैं क्योंकि रोड खाली रहता है एक्चुअली मॉर्निंग के टाइम पे। अभी आप लोग देख सकते हो पूरा रोड खाली है और रोज़ा ज़्यादा लगे ना हम लोग मे बी 1 o'clock तक रिटर्न आ जाएंगे शायद। अभी हम जा रहे हैं हजेली की तरफ क्योंकि लोअर परेल जाने के लिए वो रास्ता ठीक लग रहा है मेरे को उस तरफ से। मतलब फिनिक्स मॉल में है, जो फिनिक्स मॉल है ना उसके अंदर एक एटीएम शोरूम। सो मेरे को एक ही रास्ता पता है उधर जाने का और दूसरा कोई रास्ता पता नहीं है तो मैं ये रास्ते से जा रहा हूँ। ये रहा धोबी गार्ड, मतलब यहाँ पे कपड़े धुलने आते हैं मेरे को इतना पता है, धोबी गार्ड बोलते इसको, बाकी का नहीं पता। चलो 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 यहाँ से लेना है राइट। वाह रॉयल एनफील्ड भैया जी, देखते हैं अभी क्या सीन है। व्हाट अ विषय भैया, मेरी गाड़ी धुलोगे? केटीएम जाना है, केटीएम KTM जाए थे जाओ। सो चलते अभी KTM शो रूम। ओ फुल लीन मार रहा है भाई। तो उधर बाइक पार्किंग है बट अपने को सर्विसिंग के लिए देना है तो अपने को अंदर लेके जाना पड़ेगा। अरे बाबा लेके जाना पड़ेगा। फाइनली कमिंग आफ्टर 1 month। वो अभी आके ये क्या देख रहा हूँ मैं, KTM बंद है। सो अभी फाइनली मेरे बैक साइड में आप लोग KTM शोरूम देख सकते हो। अभी चालू हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी चलते बाइक लेके सर्विसिंग के लिए देते और मेरे को लगा था हो जाएगा 2-3 घंटे में बट मेरे को अभी 1 day बोल रहे सर्विसिंग का तो देखते अभी क्या सीन है। चलते अंदर और देते सर्विसिंग के लिए।
फुल पावर रेडी टू गो। ये रही हमारी स्कूटी, ये रही बाइक का हेलमेट। सो मेरे को KTM से कॉल आया था कि आपकी बाइक सर्विस हो गई है, कल ही मेरे को दे देते, बट एक्चुअली उनकी पहले से 7 बाइक पेंडिंग थी। सो उन्हें मेरे को आज का टाइम दिया तो कॉल आया था। सो अभी चलते स्टेशन पे, फाइव भी रुका है। सो स्टेशन पे बाइक स्कूटर पार्क करते हेलमेट लेते और निकलते। और अभी मैंने रोज़ा रखा है, सो मेरे से कुछ भी मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी, बट समझ सकते हो। कल भी मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया ज़्यादा क्योंकि मैंने रोज़ा रखा था और धूप बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, आप लोग समझ रहे होंगे। सो चलते और मिलते सीधा स्टेशन पे। सो फुल पावर अभी ट्रेन में बैठ चुके और मेरे लिए बहुत देर से रुका था स्टेशन पे। सो अभी हम लोग जूही नगर पहुँचे। जूही नगर से कुरला जाना है, कुरला से ट्रेन चेंज करके परेल से लोअर परेल उतर के फिर जाना है फिनिक्स मॉल, फिर जाते बाइक लेते और फिर मिलते सीधा अभी कुरला में। अभी कुरला पहुंच गए, सो मिलते सीधा दादर में। फाइनली अभी ट्रेन की फाइट कंप्लीट करते हुए शोरूम है KTM का, चलते अभी देखते सकते हो। गाड़ी वॉश होके आ चुकी है, मतलब दो बार वॉश करते हैं। सो अभी बाइक ले लिए, सो मिलते हैं अभी सीधा हेलमेट पे। चले दादा। सो अभी सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है, सो अभी चलते और निकलते। चल बैठ फैद। सो फुल पावर गाड़ी रेडी हो गई है। ओहो, जूनी ड्यूक का बाकी आवाज़ बहुत प्यारा था, पर ये भी प्यारी है अपनी। दिया ना आपको। सो इधर लेके जाने से पहले गेट पास दिखाना पड़ता है। ओहो हो सेक्सी ब्रो, फुल पावर निकल चुके हैं अपनी KTM लेके। बाय द वे बाइक पे ऐसा जोश आ जाता है ना, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, इतना बाइक पे एक अलग ही लेवल का जोश आ जाता है। आप लोग देख सकते हो गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है। फर्स्ट सर्विस पे कुछ चेंजेस नहीं करते, फर्स्ट सर्विस में सिर्फ ऑयल चेंज करते, ऑयल फिल्टर चेंज करते और बाइक वॉश करके देते और कुछ नहीं करते। सो अभी निकलते इधर से घर के लिए, क्योंकि अभी वैसे भी बहुत लेट हो गया मेरे को ऑलमोस्ट। और अभी एक्चुअली अभी डीजल वॉश किया ना बाइक को, तो मतलब फिर ये हो रहा है, ब्रेक्स कम लग रहे डीजल वॉश पे। ओहो परेल में बहुत ट्रैफिक है। ब्रो लोअर परेल है, सॉरी बाकी मैं रोजा रख के कुछ भी बोलता हुआ, रोजा लग रहा है मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है। कोई नहीं, रमज़ान बाद आपको ऐसे व्लॉग्स हमेशा देखने मिलेंगे, ऐसे थोड़े फनी टाइप में। बाकी अभी चलते। ओहो हो माशाल्लाह ट्रैफिक नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रैफिक रहती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है ट्रैफिक रहती है तो। और क्या बोलूँ इटली वाला आ रहा है क्या पीछे से, इटली वाले का हॉर्न दिख रहा है। स्विगी वाले लोग को बहुत गाय रहे थे। ओ कटिंग कर रहा है। रोज के मुकाबले आज ट्रैफिक कम है,
रोज के मुकाबले आज ट्रैफिक कम है। अरे जट दा मुकाबला, ओहो ओ फुल पावर, बूम बूम हो रही है बाकी गाड़ी। बाकी जब फर्स्ट डे मैं बाइक लेके आ रहा था तो इधर एक लैम्बो दिखी थी यार, क्या थी बाकी वो लैम्बो, ग्रीन कलर की बहुत प्यारी लैम्बो थी। ओहो हो, कातिल हसीना बहाके पसीना आया जोन सीना। भाई सब सिग्नल अपने को ही मिले, ये रहे रफ्तार, रफ्तार और बादशाह दोनों जन साथ में खड़े थे। तेरे पास कुछ चेंज है भाई? अपने पास चेंज नहीं था यार, बैग में था, क्या पता, सिग्नल भी नहीं दिख रहा है कब खुल जाएगा। ये तो हम ज़रूर देते, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारी अम्मी जान कहती हैं देना चाहिए। देखा अभी मैं बैग खोलता तो सिग्नल चालू हो जाता, फिर पीछे से हॉर्न पड़ता और फिर मेरे को बीटी हो जाती और कुछ नहीं। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे को बीटी ना हो, क्योंकि अभी घर पहुँचना है, फिर रील्स के लिए भी वीडियो शूट करना है। और बाय द वे जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके यार फॉलो कर लो यार, अपने भाई को फॉलो कर लो जाके इंस्टाग्राम पे। हमें नहीं फॉलो करोगे तो किसे करोगे? हाँ चलो इधर भरवा लेते हैं पेट्रोल, इधर गर्दी कम दिख रही है ब्रो। एक सेकेंड अंकल, भाई लोग मेरे बैग में क्या क्या है, बहुत कुछ है, पकड़ भाई, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, नहीं बहुत नहीं है रे। दिखा जरा अंकल, ऑनलाइन है आपके पास? हाँ डाल दो, सादा डालना। डालो अंकल, एक स्माइल तो करो। ओ अंकल चमक रहे हो, ये भर रहा है पेट्रोल। अब हम जाके भराएंगे अपने एरिया में। ओहो हो हो, हाँ भाई चल अब चलते हैं इधर से। चलो चलो चलते हैं अंकल। देख रहे अंकल के, अभी बोलता था बहुत गंदा यार, रोता रखा था। देख रहे अंकल के कितनी खुजली है, देख रहे फिर भी भाग रहे। अच्छा लगेगा अभी साथ में नेरुल सीड लेके जाऊंगा वाशी तक, फिर बोलेंगे हमेशा बाइकर्स की गलती निकालते। पाम बीच पहुंच चुके,
और यहाँ से घर मेरा मे बी 5 मिनट की दूरी पर रहेगा ड्यूक से। यहाँ से मेरा घर ड्यूक से 5 मिनट की दूरी पर रहेगा, बाकी बाइक से पता नहीं है। और अभी देख सकते हो बाकी बहुत बहुत धूप, एकदम चिकट चिकट लग रहा है, मतलब एकदम स्टिकी स्टिकी लग रहा है, मैं क्या बताऊँ भाई। समर सीज़न में घर से निकलना मतलब क्या ही मैं बताऊँ, बहुत मशक्क़त का काम है। और एक तो रोज़ा रख के ऊपर से, चलो कोई नहीं। ओहो ओपन जीप प्यारी लग रही है, ऐसा कुछ देखो ना ओल्ड स्कूल वाइब आ जाती है एकदम। सिग्नल चलो हम जाएंगे राजीव गांधी ब्रिज से, रास्ता चेंज ब्रो। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन मिलते हैं सीधा।